कोविड-19 जैसी महामारी के चलते करनाल जिला में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होंगी। मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना विभाग का काम है और विभाग इसके लिए लगातार प्रयासरत है। समाचार एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए यह जानकारी करनाल के नवनियुक्त सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर योगेश करनाल में कई वर्षों तक स्वास्थ्य सेवाएं दे चुके हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि मंगलवार को पहली लिस्ट में करनाल में कोरोना के 20 मामले सामने आए, जिनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महामारी के चलते अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को मिलती रहेंगी। यह बात जरूर है कि स्वास्थ्य विभाग का पहला फोकस इस बीमारी की चेन को तोड़ना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मानसून का समय आने वाला है, उसमें मच्छर जनित बीमारियां पनपती हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि डॉक्टरों के साथ मीटिंग करके हर तथ्य पर समीक्षा की जा रही है। सामान्य अस्पताल में दवाइयों की कमी को लेकर उन्होंने बताया कि जल्द ही यह समस्या भी दूर हो जाएगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह विभाग की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने माना कि स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी है, लेकिन बावजूद इसके उस स्टाफ से बेहतर काम लेने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और अब इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं सिविल सर्जन कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये करनाल में कुछ पदों पर रहकर करनाल के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान कर चुके हैं। इन्होंने दोबारा से यहाँ पर सिविल सर्जन का कार्यभार संभाला। मैं सबसे पहले इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ करनाल में वापसी के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका वेलकम है करनाल में। थैंक यू। सर, जिस तरह से आपको पता है कि अब आज की डेट में पूरा विश्व, पूरा देश इस एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, सर इसकी लेटेस्ट आज की अपडेट क्या होंगी? ऐसा है, आज की जो हमारे कल जो टेस्ट हुए थे उसकी अभी जो हमारी प्रथम लिस्ट आई है उसमें 20 केसेस अभी पॉजिटिव आए हैं, तो उनको हमारी टीम जो है ट्रेस करके और उनको CCC पे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उसके साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू किया जा रहा है। सर, इसके अलावा इस मौसम में मच्छर जनित बीमारियां भी हो जाती हैं, सर इनको लेकर अभी क्या स्वास्थ्य विभाग के तरह उसी बीमारी की तरफ अलर्ट है या इसी इन बीमारियों की तरफ भी उसका ध्यान रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का कोविड, नॉन कोविड जितने भी प्रोग्राम हैं हमारे, हम सभी उन नॉन कोविड प्रोग्राम पे उतना ही एम्फेसिस बिल्कुल नॉर्मल तरीके की तरह हमारा शुरू हो चुका है। कल भी हमने एक सिविल जो हमारे PSC के डॉक्टर्स आए हुए थे उनके साथ एक मीटिंग करी थी और उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्योंकि अभी हम मॉनसून सेशन मॉनसून आ रहा है और उसके साथ में ये जो जितनी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं उसका आने का अंदेशा रहता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। पूरी तरह फील्ड में जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, एंटी मलेरियल एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरा ध्यान करेंगे और जो भी एंटी जिसके लिए वेक्टर डिजीज़ के लिए जो भी हमारे कार्य है वो पूरा करेंगे। जिस तरह से इन्होंने हमें बताया, डॉक्टर योगेश शर्मा ने हमें बताया कि कोविड-19 के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर वे में चलेंगी, किस तरह से एंटी मलेरिया एक्टिविटीज़ भी चलेंगी, सर इसके लिए कोई स्पेशल टीमें गठित की गई हैं जो इस समय फॉगिंग के लिए तैयार हों? जो हमारी टीम्स तो जो एज फार एज फॉगिंग इज़ कंसर्न, वो पहले भी कई बार बताया गया कि वो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ करती हैं और पंचायती विभाग जो है वो गांव में करता है। हमारी टीम्स जहां पे पॉजिटिव केसेस आते हैं उस एरिया के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो वहां पे करती है, तो हम अपने जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ एक उनके साथ मीटिंग करके और इसको एम्फेसाइज देंगे कि भी जब सारे वो फॉगिंग का कार्य भी शुरू हो सके। सर, करनाल के पूरे एरिया से भली भांति वाकिफ है, आप यहाँ पर स्वागत भी काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा करनाल की जनता को दे चुके हैं, सर अब इस समय आपकी प्राथमिकता कैसी रहेगी, भी कहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और उनको कैसे दूर करना है? स्वास्थ्य के सुविधाओं के हिसाब से करनाल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, और लेकिन फिर भी क्योंकि ये इतनी महामारी जो फैली है और उसका बहुत बड़ा चैलेंज है और केसेस, क्योंकि GT रोड पे होने के कारण यहाँ पे केसेस भी ज़्यादा अभी आने शुरू हो गए, तो लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कि आम पब्लिक को किसी तरह का कोई पैनिक होने की या घबराने वाली बात नहीं है, तो इसमें जो हम प्रिकॉशंस बार बार कहते हैं वो प्रिकॉशंस अगर हम लेते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे जब भी हम बाहर निकलेंगे, हैंड वॉश करते रहेंगे, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
अच्छे टेस्टिंग हो रही है, लेकिन हम उन टेस्टिंग को और इंक्रीज करने जा रहे हैं। जो एक ही जगह पे अभी तक हमारी टेस्टिंग कल्पना चावला में हो रही थी, हम फिक्स साइट्स भी बढ़ाने कुछ, जिससे कि एक जगह पे ज़्यादा रश ना हो, तो कुछ और अच्छे स्टेप्स हम कोशिश करेंगे जिसको टैकल करने के लिए। सर, गांवों और देहात में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, तो आपको कहाँ लगता है अभी कहाँ पर कमी और कहाँ पर इन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है? फील्ड में हमारे PSC लेवल तक सभी जगह पे हमारे डॉक्टर्स हैं, बट स्टिल बहुत सारे पोस्ट डॉक्टर्स की अभी भी वेकेंट है। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी, जितने भी रिसोर्सेज हमें हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें जो बेस्ट पॉसिबल हम दे सकते हैं, वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। देखिए डॉक्टर योगेश शर्मा, इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी। इन्होंने कहा कि COVID-19 के अलावा अन्य सभी एक्टिविटीज़ पर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, प्रॉपर वर्क किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से आने वाले दिनों में जो एक्टिविटीज़ उनको बढ़ाया भी जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया भी जाएगा, और जहाँ जहाँ कमी मिलेगी उनसे उनको दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। सर, अभी तक आपने मीटिंग भी ली होगी अपने स्टाफ के मेंबर से, सर इसके बारे में कुछ निकल कर आया कि हाँ कहाँ पर ज़्यादा काम की जरूरत है? नहीं, अभी देखो प्रायोरिटी इस टाइम पे, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम एम्फेसिस तो हमारा कोविड के ऊपर है ही है, उसको कंटेन करना कि वो ना और ज़्यादा फैल सके। लेकिन उसके साथ साथ नॉन कोविड के भी सारे प्रोग्राम्स हम धीरे धीरे रिव्यू करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस यही दी गई हैं कि पेंडेमिक के चलते चलते नॉन कोविड पेशेंट सफ़र नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो उसके ऊपर सारा दोबारा से आप रिव्यू करेंगे। सर, ये भी सुनने में आता है कि सामान्य अस्पताल में दवाइयों की अक्सर कमी रह जाती है, सर इसके बारे में आपका कहना चाहेंगे? ये अभी क्योंकि अब हमारे अभी कल ही ज्वाइन किया है, तो अभी इसके बारे में PMO साहब से सारी डिस्कशन होगी, किसी तरह की कोई मेडिसिन वगैरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सर, ये थे डॉक्टर योगेश शर्मा, इन्होंने बताया कि नॉन कोविड एक्टिविटीज़ के कारण नॉन कोविड पेशेंट को सफ़र नहीं होने दिया जाएगा। और सर, रही सामान्य अस्पताल में दवाओं की कमी की बात, उसको लेकर भी PMO सर से बात की जाएगी और जो भी कमी होगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.